Yes, my dear students, very good morning to all of you, beta. Yes, students, you are welcome in the online tutorial of Part Public School. Students, yesterday we were doing about in the last lecture distance and displacement, and we will resume from the same point. I had given you one question in a homework. I hope कि सबने वो question किया होगा. 70% not 100% 70% students का reply आया है, but I want 100% 101%, चाहे वो dummy admissions है या फिर वो regular admissions है, ठीक है. but ये बेटा इतने important variables है for dummy admissions also. ध्यान से सुनेंगे बेटा कि इस लेक्चर में तुम्हारे थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ जेई और नीट भी कवर होगा. इस चीज की टेंशन मत लें कि तुम्हारा जेई या नीट कवर नहीं होगा, यहाँ पे काफी हद तक कवर होगा, ठीक है. और जो सिलेबस सीबीएसई में भी नहीं है वो सिलेबस भी कवर हो गए, ठीक है. तो ऐसे ऐसे कई पॉइंट्स हैं कि वो भी मुझे कवर करने जो सीबीएसई से डिडक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे कंपटीशन से डिडक्ट हो जाते हैं बट सीबीएसई में रहते हैं. तो दैट मींस हमारा सिलेबस थोड़ा वास्ट है, लेकिन उसी के लिए तुम्हें थोड़ा सा रेगुलर रहना है और अपनी अटेंडेंस प्लस अब होमवर्क जो सबमिशन है वो भी 100% करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ सेम पॉइंट से, सेम उसी सिचुएशन से. आज बहुत सारे नवीन मेडिकल्स के साथ हम आए हैं, तो देखते हैं क्या हमने कल समझा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है. तो कल वाले क्वेश्चन को आई थिंक करवाने की नीड नहीं है. इन द केस अगर किसी को लगता है कि करवाने की नीड है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो क्वेश्चन मैंने 9th क्लास का क्वेश्चन दे दिया था. 9th क्लास का वो क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज में जाओगे, फर्स्ट जो चैप्टर है 9th क्लास में मोशन, मोशन चैप्टर भी जब बैक एक्सरसाइज में जाओगे तो तुम्हें वहां पे सेकंड नहीं सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा. अब 9th क्लास की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल तुम्हें दिया था, ठीक है. इसलिए वो क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ठीक है. फिर भी बेटा ऐसा नहीं है कि सर ने तो कह दिया कि खुद करना, तो तुमसे नहीं हो रहा तो तुम मुझे बताओगे नहीं. तुम मुझे बताओ, इन द केस नहीं होता तो फिर मैं आपसे सॉल्व करूंगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन और वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ फटाफट से, तुम उसे नोट करोगे जल्दी से जल्दी. अ व्हील विद अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर with a diameter of 2 meter is rolling j ka question hai beta, ye is rolling. What else the displacement of a point, what is the displacement of a point initially touching the surface, initially touching the surface in a half turn. लो बेटा मैं डायग्राम भी बना देता हूँ. वैसे बेटा ये क्वेश्चन विदाउट डायग्राम भी आ जाता है और डायग्राम के साथ भी आ जाता है, तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के भी डायग्राम बनाना चाहिए, नहीं तो फिर भी मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. ये डायग्राम है, ये इनिशियली कोई पॉइंट ले लेते हैं ए और फिर इस पॉइंट को ले लेंगे बी और इस पॉइंट को ले लेंगे सी. अभी समझा रहा हूं कि क्या ले रहा हूं मैं, ये नथिंग एल्स.
और रेडियस डायमीटर है, इसको मैंने आर ले लिया, कैपिटल आर लिखना, कैपिटल आर लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो तुम्हारा मीटर। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि व्हील है विद अ डायमीटर 2 मीटर, जिसका डायमीटर 2 मीटर का दिया हुआ है, इज रोलिंग, वो रोल करता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ऑफ अ पॉइंट इनिशियली टचिंग, इनिशियली वो पॉइंट टच हो रहा है, टचिंग द सरफेस, सरफेस को टच कर रहा है, मैंने उस पॉइंट का नाम ए ले लिया यहां पर, इन द हाफ टर्न, जब वो ए हाफ टर्न लेते हैं, मतलब वो ए वाला पॉइंट हाफ टर्न का मतलब है ऊपर आ जाएगा, तो मैंने उस पॉइंट को लिख दिया बी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि इनिशियली जो पॉइंट सरफेस को टच हो रहा है वो, फिर ये जो व्हील है ये हाफ टर्न लेता है, हाफ टर्न लेने का मतलब है कि ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो मैंने उस पॉइंट को यहां पे बना दिया और उसको लिख दिया फिर बी। तो बेटा ठीक है, जोन सा पॉइंट यहां पर था, जोन सा पॉइंट यहां पर था वो नीचे आ गया होगा, तो इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया सी। पॉइंट समझ रहे हो, ये व्हील ऐसे रोटेट होता हुआ यहां पहुंच गया, ठीक है, जब इसने हाफ रोटेशन ली तो ए ए थंब है और ये वाला पॉइंट सी को देखना, तो ये ऐसे ऐसे चला गया। अब इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया और नीचे वाले पॉइंट को सी लिख दिया। पॉइंट इज क्लियर टू यू? ठीक है, और ये हमारा आर और ये आर, यही हो जाएगा ना। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट, कि तुम्हें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्यों? क्योंकि दैट इज द इनिशियल पॉइंट, दैट इज द फाइनल पॉइंट, और इनिशियल टू फाइनल हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, हमने सीधा टच कर दिया उस पॉइंट को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमको सबको पता है। ये वाले की अगर मैं बात करूं, इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारे पास है 2 मीटर। ये वाले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला डिस्टेंस इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, जो सबसे इजी पार्ट है। खुद बताओ, वो लिख रहे हैं यहाँ पर इन अ हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब क्या है कि ये कितना चलेगा, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होएगी जिसकी रेडियस है r, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस हो सकती है 2 पाई r। हाफ टर्न का मतलब है कि इसको हाफ कर देंगे तो क्या बचेगा, पाई r। तो इसका जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाई r। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ होगी बेटा a से c, ये पाई r लेंथ होगी, पाई। पॉइंट इज क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये लेंथ आ गई पाई r, और रेडियस, सॉरी कैपिटल r लिखना, और रेडियस 1 मीटर का हो जाएगा, तो इसे पाई लिखेंगे। तो ठीक है, फिर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा, ये निकाल रहे हैं पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, r 1 हो जाएगा, तो ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ए बी तुमने निकाल दिया इन अ हाफ टर्न। तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ऑप्शंस आ जाते हैं कभी कभी यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम एक कंसेप्ट भी कर लेते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, ये रफ कर रहा हूं मैं। कंसेप्ट क्या है बेटा वो नोट करके तुम्हें लिखवाता हूँ, कि नोट करके लिखेंगे उसको, ये सारे क्वेश्चन बेटा फटाफट से लिखते चले जाएंगे, इनको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से मैं बेटा मुझे भी क्वेश्चन लिखने ना पड़े, मैं तुम्हें असाइनमेंट लिंक में प्रोवाइड किया करूंगा। ठीक है, और जो तुम्हें कल बेटा होमवर्क जो नोट्स मिले हैं लिंक में, तो बेटा उन नोट्स के बाद, वो नोट्स अभी तुमने लिख लिए, उसमें कहीं ऐसे पॉइंट्स होंगे जो तुम्हें नहीं समझ आ रहे होंगे, या कहीं आते होंगे तो ठीक है, जैसे ग्राफ वगैरह बना होगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी कि हम करेंगे नहीं, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। और नोट्स के बाद ये न्यूमेरिकल सेशन मैंने वहीं से ही कंटिन्यू किया, नोट्स में तुम्हें दे चुका हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, स्पीड इंस्टेंटेनियस, ये वो सब दे चुका हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स में उसे मैं स्टेप बाय स्टेप ले गया हूँ। ठीक है, अभी हम अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूमेरिकल्स को कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, उसमें हम पूरा टाइम लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और मैं तुम्हें बताता हूँ उसके लिए बेटा, हाँ ये मैं सॉरी बता रहा हूँ, तो बेटा नेक्स्ट टाइम से मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इनको असाइनमेंट्स की फॉर्म में तुम्हें लिंक में प्रोवाइड करूँ न्यूमेरिकल्स को, तुम असाइनमेंट्स में से न्यूमेरिकल पढ़ते रहो, मैं या सॉल्यूशंस करता रहा हूँ। ओके,
चलिए नाउ हाँ नोट करके कंसेप्ट है बेटा ये एक हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से रिगार्डिंग यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑफ पार्टिकल व्हेन इट चेंजेस, व्हेन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट्स डायरेक्शन, इसे अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है उस पार्टिकल का जो वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन। वी आर डूइंग अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन, ये हम सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशनल। तो अगर मोशन इन वन डायमेंशनल कर रहे हैं, अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे हम जा रहे हैं जाते जाते वापस आ जाएं, वेक्टर ले लें, अबाउटर जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, वेक्टर लग जाए, तो वो है ये पॉइंट। अब इसे ध्यान से समझना, ये है बेटा, ये केसेस हमने 9th क्लास में किए हैं। क्या केसेस किया? फॉर एग्जाम्पल हमने किसी चीज को थ्रो कर दिया, अगर हमने किसी चीज को थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो कर देते हैं तो इसका मतलब क्या रहेगा, थ्रो करने का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो ऑब्जेक्ट रुकेगा, वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही तुम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो क्या होगा, पहले उसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होती 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 इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। जब वो स्टॉप होगा फॉर सम इंस्टेंट, तो उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और अपनी फिर से वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये बातें हमें बाद में भी पढ़नी है, और इस चीज को ध्यान से समझना कि अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें हमें क्या यूज करना है, कितना डिस्टेंस होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने थ्रो किया, ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इसकी कोई हाइट हो जाएगी एच मैक्सिमम मान लेते हैं, ठीक है, एच मैक्सिमम। तो ये एच मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो इस पॉइंट पर जब आएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेंगे जीरो हो जाती है। जीरो का मतलब ये रेस्ट पे आ जाता है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे रेस्ट में आएगा तो बेटा फिर ये अपना वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये कितना ही वापस ट्रेवल करके आएगा तो वो भी एच मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जाते टाइम इसने एच मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते टाइम भी एच मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस तो होते ही टोटल है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो डिस्टेंस आ जाएगा इसमें 2h मैक्सिमम, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बेटा बात करेंगे इसमें हम, तो बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जीरो। क्यों जीरो हो जाती है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट वो सेम है, जहां से उसको तुमने थ्रो किया था वो वापस वहीं पे आ गया, ठीक है। एक तो इस केस में ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट हमें इसमें यह भी याद रखना पड़ेगा बेटा, जैसे फॉर मान लेते हैं सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे तो कि मैथमेटिकल भी दिया था मैंने, सर्कुलर मोशन में क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। देखो एक तो ये हो गया लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में बात की जाती है क्योंकि हम वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, अगर टू डायमेंशनल की बात हो रही हो कहीं पर तो वो भी तुम्हें याद रखना है। तो अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है, अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है जिसका रेडियस मान लेते हैं आर है, तो बेटा इसका डिस्टेंस कितना होगा? देखो अभी-अभी हमने क्वेश्चन भी किया था ये, अभी-अभी जस्ट, इसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, मतलब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल इसकी सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट इतने ट्रैवल करेगा, फिर से आंसर है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, क्यों, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आके रुकेगा।
तो बेटा ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? ये वन डायमेंशन है, ये टू डायमेंशन के लिए दे दिया, ठीक है? थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो बेटा हमें याद रखने हैं। अब इसका न्यूमेरिकल बेस कैसे हम उसको स्टडी करें कि हाँ आपने नोट करवा के लिखवा दिया, कोई एक न्यूमेरिकल भी हो जाए इसका, तो ठीक है बेटा आ जाते हैं फिर इसका एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, साथ साथ ही कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे विद न्यूमेरिकल्स। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, जब वो अपनी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जो भी लाइन लिखी हुई थी उसी लाइन की ही मैं बात कर रहा हूँ। वो मैंने जस्ट एक तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, अगर हम उसे स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन ही मतलब कि हम उसे हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? वो इस डायरेक्शन में कुछ ट्रेवल करता है, फिर वो इस डायरेक्शन में यहाँ तक ट्रेवल करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? वो ऐसे जाता है, ऐसे ये ऐसे डायरेक्शन बदल गई उसके, यहाँ तक आ जाता है फॉर एग्जाम्पल जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऐसे तो अब ये लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? वो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, हमें देखो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक अब तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, यहां से लेके यहां तक का उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया फॉर एग्जांपल s2। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम s1 s2 कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसके ऊपर एरो लगा दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, अगर एरो नहीं लगाऊंगा सिंपल लिखूंगा तो डिस्टेंस रहेगा, या फिर मुझे इसमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा, काम मैं करूंगा नहीं मॉडुलस लगाने वाला। S1 का मतलब सिंपल, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? ये हम सबको पता है। तो आगे हम इसे करना कैसे है, तो इसको अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, देखिए कैसे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है वो हमें यहाँ पर देखना है। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है बेटा, दैट इज अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये वाला अगर क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट है, क्यों? क्योंकि ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है? ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी। टोटल तो जो डिस्टेंस होगा वो तो हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल तो डिस्टेंस क्या होगा s1, अगर कंप्लीट s की बात करूं नेट निकाल दूं तो s1 plus s2 होगा, ये तो सिंपल है क्योंकि ये तो वेक्टर थोड़ी ना है। हां अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आंसर है जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में तो लग जाएगा एरो, अगर डिस्प्लेसमेंट में एरो लगेगा तो सिंपल सी बात है इसको भी विद डायरेक्शन लेना पड़ेगा और इसको भी विद डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? इनमें एक ऑपोजिट आ रहा होता है, तो ऑपोजिट क्या है फिर हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेके करवाता हूं तुमको ये कि इधर मैं चलता हूं, इधर का जो s1 है, s1 है 10, ठीक है? इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं i कैप, मान लेता हूं ना कि x एक्सिस है, ठीक है? और ये इस साइड जाने वाला पॉजिटिव है, जब वो वापस आएगा तो मान लेते हैं वो वापस आ रहा है यहां पर, कितना वापस आ रहा है मान लेते हैं कुछ भी मान लो 4, तो ये हो जाएगा बेटा 4, तो s2 मैंने कितना ले लिया, s2 ले लिया 4 माइनस i कैप, तो ये नेगेटिव i कैप हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पुट करेंगे, अगर s1 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है 10 i कैप माइनस 4 i कैप, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 6 i कैप, तो ये आ जाएगा बेटा 6 i कैप, तो ये बेटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो ये बेटा ध्यान रखना है, ये उसी का पार्ट करवाया जिसमें डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं वन डायमेंशनल में, कि तुम्हें एक i कैप या जो भी लेना चाहते हो, अगर तुमने इस डायरेक्शन को z ले लिया तो k कैप ले लो, ठीक है? ये तुम पे डिपेंड है, मैंने x मान लिया तो i कैप ले लिया, बाकी ऑप्शंस भी होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था जेईई में, क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, ये इतना इजी सा क्वेश्चन, ठीक है? और ऐसा नहीं है बेटा कि ये दो ही आएंगे, ये जितने मर्जी हो, ये ऐसा हो सकता है। देखो ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले को दैट इज द वन ऑफ बेसिक फार्मूला, ये बेटा एक बेसिक फार्मूला है, ये प्लस एस एन तक जा सकता है,
ठीक है, ये जितने मर्जी टर्म्स प्लस होती चली जाए हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ ये दिखाया कि जो ऑपोजिट हो जाएंगे उनको माइनस के साथ चला देना, जो सेम डायरेक्शन में जाते रहेंगे वो एज इट इज प्लस होते चले जाएंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यस मैम, अब क्या करते हैं बेटा, मोर क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। बेटा देखो, कईयों के माइंड में शायद आ रहा हो, फिर भी मैं क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। देखो कई बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यहाँ पर हमने, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस की बात करें, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो बेटा कई बच्चे ये तो नहीं सोच रहे ना कि इसको 10 ले लेंगे और इसको -4 ले लेंगे तो इसका आंसर 6 निकाल देंगे, सिर्फ आई कैप हम इसमें नहीं लेंगे। नहीं बेटा, वो गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि बेटा वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें ये डायरेक्शन नहीं है कि वापिस आ रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उसको तो प्लस करना है। वो तो एक्चुअल लेंथ है कि 10 इधर गया, 4 इधर चला, 14, उसका आंसर आएगा 14। या तो ये मान सकते हो, देखो मैंने इसलिए यहाँ पर ना, मैं तुम्हें बार बार इस चीज का रियलाइज करवाता हूँ कि जब तक मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ, विदाउट एरो हेड लिख रहा हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये अब तुम्हें समझ आ जाएगा, ऐसे लिखूं, अब तो इसका नेगेटिव 4 भी लगाओगे तो वो पॉजिटिव 4 हो जाएगा और आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, 10 प्लस ये माइनस 4 भी क्या हो जाएगा, 10 प्लस प्लस 4 ये आ जाएगा। समझ आ रहा है पॉइंट? तो ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था इसमें, नेगेटिव वाली, ठीक है। बट दिस पॉइंट गुड, तो ठीक है। फिर अगर तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आ जाओ, फिर एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ मैं तुम्हें, और बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल दूंगा, बट दिमाग तुम्हारा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। यस नाउ, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा, और सबसे बड़ी बात है कि न्यूमेरिकल हमें जो मिला था JE 2017 में मिला, ठीक है, और एडवांस में नहीं, मेन में, JE में, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं, न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं यहां पर, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल मूव्स from origin to 10-0 and then comes back। देखो आ गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, एंड देन बेटा जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ साथ साथ जब लिखते हो ना, तो तुम माइंड में उस चीज के मतलब भी निकाला करो कि एंड कम्स बैक मींस वो आ रहा है वापस, डायरेक्शन हो रही है चेंज, वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। 2 meter towards the origin, towards the origin, origin की तरफ दोबारा आया, find the displacement of the particle, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, सिक्स आई कैप मीटर, 7 आई कैप मीटर, 8 आई कैप मीटर, 9 आई कैप मीटर। लो जी, ऑप्शन हमारे सामने है और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सॉल्यूशन भी तुम्हारे सामने कर देते हैं, ये तो वैसे है कुछ भी नहीं इसमें। तो बेटा जब ये नॉर्थ वगैरह की बात होती है ना, तो मुझे तो ये ट्रिक अच्छी लगती है कि मैं ऐसे पहले डायरेक्शन लिख लेता हूँ कि गलती हो ही ना मेरे से, ठीक है। चलो फिर भी यहाँ पर हुई भी बात नॉर्थ की है, मैंने ऐसे ले लिया, नहीं
नहीं यहाँ पे तो ओरिजिन की बात हुई है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं है, ले लोगे तो कुछ नहीं होगा बट कोई नीड नहीं होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम लेने की नीड है, ये ओरिजिन बना देते हैं यहाँ पर, इसको आई कैप दिखाएंगे, एक्स एक्सिस दिखाएंगे, आई 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 मिला हुआ है ना। तो पार्टिकल मूव करता है ओरिजिन से 10 0, तो ये बेटा होता है पहले वाला एक्स होता है और दूसरे वाला टर्म वाई होता है, ये तो सबको पता है, थर्ड आ जाएगा तो जेड आ जाएगा, ये फिक्स रूल है, फर्स्ट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, तो ये जीरो वाई एक्सिस है, मतलब वो इसी लाइन से ही मूव कर रहा है, इसी लाइन पर, वो ऊपर की लाइन पर मूव नहीं कर रहा, तो वो इधर जाता है 10 तक, यहाँ पे रीडिंग होगी 10, 10 तक जाता है ओरिजिन से, 10 तक चला गया, फिर वापिस आता है 2 मीटर पीछे आ जाता है, 10 मीटर आगे जाके ये 10 मीटर तक आते जाता है, 2 मीटर वापिस आ जाता है, 2 मीटर ओरिजिन की तरफ वापिस आ जाता है, लिखा हुआ है ना ओरिजिन की तरफ, तो टूवर्ड द ओरिजिन लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है, तो ये वाला पार्ट तुम्हें निकालना है, तो क्या है इसमें निकाल देते हैं। अब तुम्हें पता ही है बेटा ये 10 i कैप हो गया, ठीक है, ये -2 i कैप हो गया, तो 10 - 2 क्या हो गया, 8 आंसर आ गया, सर समझ आ गया ना। तो ये s निकाल रहे हो ना तुम, नेट निकाल रहे हो, ठीक है, तो नेट कैसे निकालोगे, तो ये S1 plus S2 करके निकालोगे, S1 कितना है 10 i cap plus minus 4 i cap, sorry 2 i cap, ये तो मैंने एग्जांपल करवाया था अभी तुम्हें, तो ये आ गया कितना 8 i cap बेटा, दैट्स इट, सी इज आंसर, ओके। तो यहां तक समझ आया बेटा तुम्हें ये पॉइंट, बोर्ड क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, ठीक है, यस। और करते हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बेटा अब तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन की इतनी नीड नहीं है, फिर भी लास्ट में जो असाइनमेंट्स तुम्हें मिलेंगे एंड ऑफ द चैप्टर पे, उसमें और मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हमें करते हैं, सारा अपना सिलेबस कवर करना है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्पीड से रिलेटेड, उसमें फिर बहुत सारे और क्वेश्चन है, क्योंकि एवरेज स्पीड एक ऐसा टॉपिक है जो जेईई में बहुत पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है, नीट और जेईई के लिए बहुत पॉपुलर टॉपिक है, तो ध्यान से बेटा इसको करो, और जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी टेंशन ही छोड़ दे, क्योंकि नीट तो यहाँ पर 100% हो जाएगा, जेईई मेंस भी कवर हो जाता है, जेईई एडवांस के लिए टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग से टाइम देना पड़ता है, जो थोड़ा सा अलग ट्रैक है, उसके न्यूमेरिकल्स का ट्रैक अलग है, टाइम अलग हो जाता है, कुछ कुछ तो मैं कवर करूंगा उसको भी, बट मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं उसे 100% कवर कर दूंगा, ठीक है। हाँ नीट वगैरह को मैं यहाँ पे कंप्लीट कवर कर लूंगा, नॉट वरी जेईई मेंस को भी कवर कर लूंगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या है बेटा, अपॉर्चुनिटी है कि मैं वीडियोज बनाता रहूँ, तुम देखते रहो, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ पता नहीं है, स्कूल में भी एक पॉसिबिलिटीज नहीं होती हमारे पास, स्कूल में भी हम इतना कॉम्पिटिशन का नहीं करवा पाते, स्कूल में भी हम सिंपल तुम्हारा सीबीएसई का कंटेंट ही कवर हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, तो अब हमारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम अपने हिसाब से खुद कर लेंगे सारा कुछ, ठीक है, गुड, टेक केयर। और बेटा कल नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आई विश कि तुम्हें समझ आया और आगे भी आता रहे, गुड लक बेटा।